मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई तो एक कार्यकर्ता का 15 साल पुराना संकल्प भी पूरा हुआ। दुर्गालाल किरात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता और कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं, ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने 2003 में कांग्रेस जब हारी थी तो एक संकल्प लिया था और संकल्प ये कि जब तक मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तब तक जूते नहीं पहनूंगा। और अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन्होंने जूते पहन लिए हैं और ये जूते इन्होंने अपने हाथ से पहने जरूर, लेकिन वो पहनाए हैं इन्हें मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। ये बताइए, लगातार 3 चुनाव हारी कांग्रेस, आपने पहले चुनाव में संकल्प ले लिया था, पहले चुनाव में ले लिया था, क्यों आपको ऐसा लग रहा था 15 साल अगर इस बार भी हार जाती फिर भी नहीं पहनते, हार जाती तो मतलब अभी भी हार जाती नहीं पहनता जूता, नेम था हमारा जब तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बने जब तक जूता नहीं पहनना था। आपने कब इसकी जानकारी आला नेताओं को कब दी, दिग्विजय जी को या कमलनाथ को, कब पता चला? कमलनाथ जी को तो अभी, दिग्विजय सिंह जी को तो 10 साल पहले जब सांसद जी बने थे नारायण सिंह जी, जूता पहनाने आया था मेरे को तो मैंने नहीं पहना था, और विधायक भी बने था जब भी नहीं आया हम पहनने, 10 साल पहले विधायक बने था जब भी आया था घर पे जूता लेके तो मैंने नहीं पहना था, फिर डर जाता है गाड़ी और उन्हें नहीं चल गया वापस, जीप लेके आया था सांसद जी नारायण सिंह जी जब, तो हमने नहीं पहना था जब तक हमारी सरकार नहीं बने जब तक नहीं पहना। आज आप गए कमलनाथ के घर, आप गए, क्या बात उन्होंने आपसे की जब उन्हें पता चला कि आपने 15 साल से जूता नहीं पहना? उन्होंने पूछी थी हमारे से कब से छोड़ा था मैंने, 15 साल हो गया जब तक अपनी सरकार नहीं बने कांग्रेस की मध्य प्रदेश, जब तक हमने जूता नहीं पहनेंगे, या पूछी थी मुख्यमंत्री जी ने, क्या बोले फिर सुन के? हाँ, उन्होंने ये बोला था कि जब अच्छे रहे वो कार्यकर्ता ऐसे चलते रहो, रात को वो गया था तो रात को मना कर दी थी उन्होंने कि जब तक मीडिया वाला नहीं आएगा जब तक आपको जूता नहीं, तो उसके बाद क्या आपको आज सुबह पहना? हाँ, रात को तो वापस मना कर दी थी, सुबह आना 10:30 बजे, सुबह पहना? हाँ, आज सुबह 10:30 बजे, 11 बजे उसके बाद अब आपका संकल्प पूरा हो गया। एक बार हम चाहेंगे आप दिखाएं भी अपने पैर, क्योंकि इनके पैरों में जो है 15 सालों से नंगे पैर घूमे हैं और ये पूरे पैर आप देख सकते हैं, ये पैर जो है कई जगह से कट चुके हैं, फट चुके हैं, क्योंकि 15 सालों से इन्होंने जूते या चप्पल कुछ भी नहीं पहना था। और अब आज जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आखिरकार बन गई है तो सत्ता में वापसी के बाद इनका संकल्प पूरा हुआ और इस संकल्प को पूरा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचे और उन्होंने इन्हें जूता पहनाया, जिसके बाद इनका ये संकल्प पूरा हुआ। और इसके बाद खुद कमलनाथ ने, मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि ऐसे ही कार्यकर्ता हैं जिनकी वजह से 15 साल बाद कांग्रेस की जोरदार वापसी मध्य प्रदेश में हुई है। कैमरामैन राहुल के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।